फ्राई होगा। यहाँ पे इतना सारा मटर रखे हुए हैं, आधा मटर टिफिन में मतलब पैक करके फ्रिज में रख दिया है, और भी बहुत कुछ बनाना है तो उसमें काम आ जाएगा। और इतना मटर, ये सारा मटर चिकन में ऐड होगा। सिर्फ मटर जब ऐड किए थे, मटर और आलू, तो वो आप लोग ऐड करके 5 मिनट से फ्राई की, ज़्यादा नहीं फ्राई किए क्योंकि मटर तो तुरंत मतलब सीझ जाता है। 5 मिनट फ्राई किए और उसके बाद फिर पानी थोड़ा ऐड किया, धनिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग। अब सभी को आप सब कैसे हो कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। और मेरे पति देव, मेरे बाबू कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। अब मेरा आँख ठो मतलब ना आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा क्या बोलते उसको, मुरझाया मुरझाया, क्योंकि अभी हम किचन में प्याज काट रहे थे, सिर से भी कर रहे हैं, सर्दी नहीं हुआ बट सिर से कर रहे हैं, क्योंकि प्याज काटने से ना रोना आता। किसी को रोना होगा तो प्याज काट के आराम से रो सकते हैं लेकिन जब रोना रहेगा ना, जब दिल से बोले मतलब रोना आता है ना, आंसू नहीं निकलता ना, उस टाइम प्याज भी काम नहीं आता, ऐसा प्याज है। और जब रोना नहीं रहेगा ना, प्याज रुला ही देता है। तो जब हम प्याज काटते हैं ना, कोई मेरे बगल में भी अगर काटेंगे ना, हम नहीं काटेंगे ना, तो हम रो ही देते हैं, प्याज ऐसा है रुला देता है सबको। बाबू यहाँ पे काम कर रहे, क्या काम कर रहे आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये वाला खराब हो गया, जानते हैं माँ, हम तो फट से पकड़ लिए उसको, गर्म है कि ना हमको पता भी नहीं, अभी चेक किए तो हल्का गर्म है। वही वाला मतलब काम कर रहे हैं क्योंकि वो वाला खराब हो गया है, बनाना भी नहीं हो रहा है। देखिए ना, इसका पूरा अतड़ी पतड़ी निकाल के क्या किए हैं, अब क्या करेंगे, हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, बनाएंगे। गर्म नहीं लग रहा है, नहीं तो ठंडा है, तभी मैं गर्म लग रहा है, आके बनाएंगे, बन जाएगा आपसे। तो मिस्त्री को दे दिए, दो दो बार बनाए, नहीं दो यहाँ पे बन जाएगा, आप दिक्कत नहीं, दो दिन बनाए दोनों दिन खराब हो गया, यहाँ से हिल रहा है, इससे जल जा रहा है, दो दिन पानी गर्म हुआ फिर खराब हो गया, शॉर्ट मार दे रहा है। और चाय बहुत दिन से खराब है, हम तो ठंडा पानी से ही नहा रहे हैं, लेकिन गर्म पानी से नहाने से ना, एक चीज़ देखिए, गर्म पानी से नहाने से ना ठंडा लगते ही रहता है, और ठंडा पानी से नहा लेने से एक बार जो ठंडा लगता है मतलब पानी डालने के टाइम में, उसके बाद ठंडा नहीं लगता है, हम नहा के तुरंत छत भाग जाते हैं दौड़ के, और धूप में रहते हैं थोड़ा देर ही, उसके बाद फिर आते हैं। तो कहाँ जा रहे अभी आप, और जा रहे उसका सामान सब लाने के लिए, वो सब लेके आएंगे फिर वो बनाएंगे। चलते हैं किचन में, और यहाँ चावल हो रहा है मेरा, देख सकते हैं यहाँ चावल हो रहा है, यहाँ कढ़ाई चढ़ाया है, तो अभी हमको तेल नहीं है, बाबू को बोले तेल भी लेके, तेल लाने के लिए, तो पता नहीं वो कहाँ गया, बोले तो आ रहा है तेल लाने के, कि कहाँ गया पता नहीं, तो फिर मेरे को तेल मंगवाना होगा। और क्या 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 बन रहा है, आप लोगों को बताया था कि मटर वाला चिकन बनाएंगे, हरा मटर वाला, तो कैसे बनाएंगे वो तो बहुत आसान है, आप लोगों को फिर भी एक बता दें, जो जानते हैं उनको तो पता, और जो नहीं जानते हैं प्लीज़ एक बार बिना स्किप के पूरा ब्लॉग देखिएगा, पता चल जाएगा। मटर चिकन बाबू को बहुत पसंद है, मैं परसों दिन गए थे मार्केट, तो मार्केट से लेके आए थे ये इतना सारा मटर, मटर छील के आधा रखे हैं, और आधा मतलब क्या, थोड़ा सा डालेंगे चिकन में, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये रहा चिकन, चिकन यहाँ पे रखे हैं, इसको धोना है, चिकन को धोना नहीं हुआ है, चिकन यहाँ रखे हैं, यहाँ दो टमाटर ऐड होगा, 4 प्याज है, ये 4 प्याज को छोटा छोटा काट लेंगे, पतला पतला फ्राई होगा। और यहाँ पे इतना सारा मटर रखे हुए हैं, आधा मटर टिफिन में मतलब पैक करके फ्रिज में रख दिया है, और भी बहुत कुछ बनाना है तो उसमें काम आ जाएगा। और इतना मटर, ये सारा मटर चिकन में ऐड होगा, तो इसमें है मसाला ग्राइंड नहीं मतलब पीस लिए हैं, और ये रहा देखिए पीसे है, बट और एक बार पीसना था, तो बाबू से बात करते करते मैं ना हम भूल गए, तो पानी थोड़ा ऐड करके पीसना था, तो हम भूल गए, तो एक बार फिर से पीस लेंगे, पानी ऐड करके थोड़ा सा डाल के, और इसमें गोटा जीरा डाले हैं, हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा डाले हैं, थोड़ा तीखा खाएंगे, और एक बड़ा सा प्याज है, इतना ये साइज का इतना बड़ा प्याज एक डाले हैं काट के, और थोड़ा सा अदरक और लहसुन एक गोटा पूरा डाले, वो सारा डाल के पीस लिया, और एक बार पीसना है, बस इतना ही कुछ ऐड किया इसमें। और यहाँ पे आप पालक रखा हुआ दिख रहा है, तो ये पालक को ना अभी हम काट के काटेंगे ना, मतलब थोड़ा सा ही काटेंगे, ज़्यादा ना छोटा छोटा नहीं, क्योंकि इसको पालक पनीर बनाना, ये काट के अभी हम कुकर में बॉईल कर देंगे, सिझा देंगे, सिझा के रख देंगे, ये रात के लिए हमको मतलब रेडी करना। तो चलिए फटाफट हम खाना कम्प्लीट कर लेते हैं, पहले हम चिकन रेडी करते हैं बनाने के लिए, तेल लेंगे, पहले हम तेल मंगा लेते हैं। तो ये रहा सरसों रिफाइन, दोनों तेल हमारा आ गया है, और अभी जा रहे फटाफट बनाते हैं, ये चिकन मसाला गरम मसाला सब आ गया है, तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस भी ऑन कर दिया, कढ़ाई भी हमारा गरम हो गया, तो तेल पहले हम सरसों तेल ऐड करते हैं, उसमें डालते हैं ये है, और तेल भी हमारा गरम हो गया, अब ये जो खड़ा गरम मसाला ये सारा ऐड कर देते हैं।
प्याज हल्का ब्राउन कर लेते हैं। ब्राउन करने के बाद यहाँ पे मसाला हम पीस लिए है और अच्छी तरह से अपन देखिए पूरा जीरा वगैरह सब पिसा गया है और यहाँ दो टमाटर काट के रखे हैं, ये मसाला ऐड करेंगे, उसके बाद फिर टमाटर ऐड करेंगे। अब ये सारा पिसा हुआ मसाला अब प्याज अदरक लहसुन ये सारा ऐड कर देंगे और यहाँ पे चार टमाटर रखा हुआ, ये चारों टमाटर भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से पूरा फ्राई करेंगे। इसमें मसाला सारा ये ऐड करेंगे, अभी जितना दिख रहा है सारा मसाला थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। ये मसाला ज़्यादा नहीं फ्राई करना, 5 मिनट सिर्फ फ्राई करना है मसाला और उसके बाद ये चिकन ऐड करते हैं। ये चिकन ऐड होगा और चिकन मसाले के साथ फ्राई होगा। और यहाँ आपको आलू दिखाने हम भूल गए थे, ये आलू है, आलू भी ऐड होगा। तो इतना सारा आलू हम ले लिए है, मटर ऐड हो रहा है इसीलिए हम आलू भी ऐड कर रहे हैं। बाबू बोले थे आलू ऐड नहीं करना, बट मटर के साथ आलू भी मज़ा आता है खाने में। तो ये हम चिकन मटर हम कुछ भी हम आलू ऐड करते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो हम आलू ऐड कर लेंगे, चिकन आलू और मसाला ये सारा एक साथ फ्राई होगा। तो एक साथ तीनों मतलब तीनों को अच्छी तरह से पूरा फ्राई करते रहना है जब तक साइड साइड तेल नहीं छोड़ेगा। सारा चिकन ऐड कर दिया, अब इसको ना मिला लेते हैं अच्छी तरह से और इसको थोड़ा सा पहले हम पका लेते हैं क्योंकि ना आलू बहुत छोटा छोटा है, आलू अभी इसी में डाल देंगे ना तो फिर आलू हलवा बन जाएगा। लेकिन इसको हम थोड़ा सा पका लेते हैं उसके बाद आलू ऐड करेंगे। चलिए इसी तरह आलू चिकन को पका लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। खीरा मेरा चिकन बन के कम्प्लीट है पूरा, आप लोगों को हम दिखा रहे थे। सिर्फ मटर जब ऐड किए थे मटर और आलू तो वो आप लोगों को हम नहीं दिखाया क्योंकि पीयू को नहलाना था और भी काम वाम था, सारा हम कम्प्लीट कर लिया, फटाफट खाना बना लिए। तो चिकन में चिकन हल्का फ्राई हो गया तो उसके बाद आलू ऐड कर दिए थे, आलू के साथ फिर चिकन पूरा फ्राई किए। उसके बाद जब साइड साइड पूरा तेल छोड़ दिया था तब मटर ऐड कर दिए थे। तो मटर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, देखिए खीरा देखिए मटर मटर ऐड कर दिए थे। मटर ऐड करके 5 मिनट से फ्राई की, ज़्यादा नहीं फ्राई किए क्योंकि मटर तो तुरंत मतलब सीज जाता है। 5 मिनट फ्राई किए और उसके बाद फिर पानी थोड़ा ऐड किया, धनिया पत्ता दिए, हमारा चिकन मटर चिकन रेडी है। चलिए अब गर्मा गर्म निकालते हैं खाना। हम लोग खाना निकाल लिए हैं और खा के बताइए आपका मटर चिकन बहुत मटर चिकन खाने का मन था इनको तो इसलिए मटर चिकन बना दिए हैं। कुछ नहीं एकदम आसान है, सिर्फ मटर ऊपर से जैसे चिकन बनाते हैं बस वैसे ही बनाए हैं और ऊपर से मटर ऐड कर दिए हैं, हो गया मटर चिकन। स्पेशल मटर सिर्फ चिकन में डालने के लिए खरीद के लेके आए हैं, तो जितना मटर मतलब जितना डाले थे उतना तो मेरे को चिकन में मिला नहीं, मतलब जितना हुआ हम सारा मटर दे दिए इनको निकाल निकाल के। अब खा के बता, झाल तो हुआ होगा बहुत क्योंकि ना मिर्चा थोड़ा ज़्यादा डाले आप लोग भी देखे, झाल हुआ है ना, झाल है समझ गए ना आप लोग क्या बोल रहे, झाल है तो देखा प्लीज आप लोग ट्राई कीजिएगा। और चलिए हम खा लेते हैं, बहुत टेस्टी। पीयू को तो नहीं खिलाया उसको क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं उसमें क्या सब्जी बोलते हैं, चोरचोड़ी सब्जी बोलते हैं, मतलब मिक्स सब्जी सारा कुछ सब्जी मिला रहता तो वो सब्जी था तो उससे उसको हम भात चावल खिला दे देंगे। जब झाल खाते ना हिचकी होता है, पता नहीं ऐसा क्यों उनको, और हम झाल खाने से मेरा हिचकी नहीं होता, मेरा दूसरे को मतलब होता है, इनका जब झाल खा रहे हिचकी होता है। इंसान चोरी उरी कुछ करता है चोरी करके खाने से हिचकी होता है ना, इनका झाल खाने से हिचकी स्टार्ट होता है। एक बोतल पानी देना माँ, क्या हुआ रोते रोते बाहर से रोते रोते आया है तो ये पीयू भी रो रही है, इधर आओ, बहुत बदमाश हो गई है। तो चलिए फ्रेंड ये ब्लॉग फिर ये पे एंड करते हैं और चिकन कैसा बना प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ट्राई आप लोग कीजिएगा और ये ब्लॉग फिर ये पे एंड करता है। आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक न्यू अच्छे ब्लॉग के साथ, बाय बाय, लव यू गाइस।